हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीबीएस नर्सरी। डीबीएस नर्सरी में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जिस पौधे की बात कर रहे हैं, इस पौधे का नाम है सिंदूर प्लांट। जी हाँ, आप भी जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि सिंदूर का भी पौधा आता है। तो जी हाँ, ये सिंदूर का ही पौधा है, जो कि ये आप देख रहे हैं, ये फल आए हुए हैं। इसके अंदर ये अभी कच्ची अवस्था में, जब इसको हम इस तरह से ड्रॉप करेंगे, फोड़ेंगे, तो इसके अंदर से जो बीज निकलेगा उसे पीस कर लगाने, पीसने के बाद वही सिंदूर बनता है और लगा सकते हैं। तो आपके पास भी यदि छोटा गार्डन है तो आप उसमें ओरिजिनल सिंदूर का पौधा लगा सकते हैं। अगर इसकी हाइट की बात करें तो ये 3.5 फीट का हाइट है। ये सब एयर लेयरिंग टिश्यू कल्चर वाले से है, जो कि 1 साल 1.5 साल में फल आना शुरू हो जाते हैं। तो जो मार्केट में मिलते हैं वो ज़्यादातर नकली सिंदूर होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, सर में चिड़चिड़ापन हो जाता है, निद्रा आने लगता है, बाल उड़ने लगते हैं। लेकिन ओरिजिनल सिंदूर लगाने से क्या होते हैं, इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ओरिजिनल सिंदूर में सबसे खास बात क्या होता है, यह सिर में शीतलता प्रदान करता है। आजकल क्या है कि मार्केट में जितना डिमांड हो रहा है उतना उत्पादन नहीं हो रहा है, जिसके कारण लोग क्या कर रहे हैं कि नकली बना बनाकर मार्केट में उपलब्ध करा रहे हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी ही नहीं है कि सिंदूर का पौधा होता है, तो लोग क्या करते हैं, मजबूरी में ख़रीदना पड़ता है। तो हम यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके पास भी अगर गार्डन है छोटा सा, या फिर अगर टेरिस में लगाना चाहते हैं, तो 10 लीटर 15 लीटर के बकेट में आप लगाकर इस तरह से फ्रूटिंग 1 साल बाद 1.5 साल बाद ले सकते हैं। तो जिनको भी इस तरह के पौधे अगर चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क करें। ऑल ओवर इंडिया में होम डिलीवरी सर्विस उपलब्ध कराए जाते हैं। इसे सीड्स को पकने का समय होता है मार्च के लास्ट टाइम में, इसके जो सीड्स होंगे वो पककर रेडी हो जाएंगे। तो जिनको भी अगर बीज भी चाहिए तो वो भी संपर्क कर सकते हैं, उनको भी उपलब्ध कराए जाएंगे। डीबीएस नर्सरी एक ऐसा नर्सरी है जहाँ पर सभी प्रकार के पेड़ पौधे, इंडोर आउटडोर फ्रैग्रेंट फ्रूटिंग हर्बल मेडिसिनल रेयर रेयर वैरायटी के पौधे उपलब्ध होते हैं। आपने जो अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।